नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। जनपद हापुड़ के एक गांव में अचानक बदबू फैलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। सैकड़ों ग्रामीण कई दिनों से बदबू का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने हफ्ते से खाली पड़े मकान में एक गोवंश के मरे होने की आशंका जताते हुए स्थानीय अधिकारियों को फोन कर इसकी सूचना दी, मगर गाँव वासियों के अनुसार कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचे, जिससे गाँव वासियों में काफी रोष दिखाई दिया। ग्रामीणों ने परेशान होकर अपनी मदद के लिए 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर एक बार पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय चौकी पुलिस मरे गोवंश को वहां से निकालने की तैयारी में जुटी। मतलब क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह। क्या मामला हुआ गालन में? ऐसा है जी, हमारे गांव में एक जो है आवारा सांड मरा पड़ा हुआ है एक प्लॉट में जी, और कई दिन से मरा पड़ा है। अब जब उसमें बदबू आई है तो लोगों ने उसका ध्यान करा है। अब जो सड़ गया है, कीड़े पड़ रहे हैं जी, और यहाँ जो बीमारी की आशंका है उसको कोई उठाने वाला है नहीं। कल रात से परसों से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसका समाधान हो जाए और ये उठाया जाए। यही है तो आपने अधिकारियों को फोन किया? हमने मसूरी फिलकवा थाने को भी किया, अब 112 नंबर पर कॉल किया, उन्होंने कही है कि इसका समाधान हो जाए। इन सब के बीच ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए गांव की गंदगी दिखाई। आइए आपको दिखाते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है जी। जी क्या मामला हुआ आज गालन में? गालन में मामला ये है सर, यहाँ गंदगी का अंबार बना हुआ, ढेर बना हुआ, अधिकारी आते हैं सब गाड़ी लेकर के चले जाते हैं, ग्राम प्रधान सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। कई बार हम लोगों ने शिकायत भी करी है, ऊपर अधिकारी तक से कही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल। गंदगी का अंबार बना हुआ, कोरोना की जो बीमारी चली हुई है और इसमें जो है मतलब बदबू फैलने का काफ़ी जो है डर है, यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे एक बिजार मरा पड़ा है, यहाँ बदबू फैल रही है जी, और उसको कई लोगों से कही है, उसके बारे में किसी ने कुछ अभी सूचना कहीं दी नहीं, क्या करें इसके बारे में हमारे तक कुछ समझ में आने। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।